नमस्कार दोस्तों, क्या आप दिल्ली के अंदर अपना कोई 30 गज का जड़ से मकान ढूंढ रहे हैं जो कि मार्केट के बिल्कुल नियर बाई हो और मेट्रो स्टेशन के भी पास हो? तो जी हाँ, आज जो मैं हाउस आपको दिखाऊंगा 30 गज में बना हुआ जड़ से डुप्लेक्स इंडिपेंडेंट हाउस जो कि मेट्रो से काफ़ी नियर बाई रहने वाला है कि आप जो है वॉकिंग करता हुआ अपना मेन रोड तक जा सकते हैं। इतना डिस्टेंस आपको जो है नियर बाई मेट्रो का देखने को मिल जाएगा, प्लस मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और लोकेशन हमारी प्राइम लोकेशन मोहनगढ़ के अंदर प्राइम लोकेशन जो हमारी रहने वाली है। सारी चीज़ें जो बताऊंगा यहाँ पर वहाँ पर आपको ये इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों देखने को मिलेगा। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट नितिन में। दोस्तों आज फिर से हाजिर हुए हैं आपकी सेवा में लेकर जड़ से मकान जो कि 30 गज का ये हमारा इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, पूरे हाउस का टूर करते हैं। हाउस बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, बट गली हमारे यहाँ 10 फीट की मिलेगी क्योंकि आपका बजट है कम। तो कम बजट के अंदर आपको जो है इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों मैं आज 30 गज का दिखाऊंगा, वो भी प्राइम लोकेशन के अंदर मेट्रो के नियर बाय। दोस्तों फैसिलिटीज सारी मिल जाएगी, हॉस्पिटल्स, बैंक, एटीएम, जिम, स्कूल, मार्केट, सब आपके जो है दोस्तों यहाँ पर 50 मीटर के दायरे में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं जाना, सामने ही हमारी मेन कमर्शियल रोड रहने वाली है। मेन कमर्शियल रोड के बिल्कुल सामने गली में आपका जो है इंडिपेंडेंट हाउस रहेगा, सारी मार्केट आपकी वहीं पर रहने वाली है। ऑटो रिक्शाज वगैरह वो सामने मेन रोड आप देख रहे हैं, ऑटो रिक्शाज वगैरह उस मेन रोड से मिल जाएंगे और एक रोड आपके बैक साइड में भी रहेगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे इंडिपेंडेंट हाउस की। ये हमारा जड़ से मकान है जिसमें ज़मीन आपकी रहने वाली है, छत भी आपकी है दोस्तों। नीचे वन रूम सेट, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम आपको सारी फैसिलिटी देखने मिलेगी। ऊपर भी आपको वन रूम सेट, किचन, बाथरूम वगैरह देखने को मिल जाएगा दोस्तों। 2 मंजिल का जड़ से मकान है, देन हमारी जो है उसके बाद रूफ, जिस पर आपको प्रॉपर टाइल वर्क देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रॉपर्टी हमारी है, फ्री होल्ड है, लोनेबल है, रजिस्टर्ड है, जी हाँ, सारी फैसिलिटीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पर BSES राजधानी से मिलेगी और आपको सीवरेज कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा। BSES राजधानी से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलेगा, पानी का कनेक्शन आपका जो है दिल्ली जल बोर्ड का, MCD वाटर का रहेगा। देन उसके बाद एक समरसेबल भी आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पूरे हाउस का जो टूर करते हैं और हाउस की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अब ये जो हमारा हाउस है दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो है फ्रंट एलिवेशन देख लेते हैं। ये हमारी फ्रंट की एलिवेशन देखेंगे तो इसमें आपको जो है वाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में फ्रंट की एलिवेशन देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत जो है इसकी फ्रंट की एलिवेशन रहने वाली है। और नीचे हमारा एक MS का डोर रहने वाला है, आयरन का आपको जो है बड़ा डिजाइनर डोर मिलता है दोस्तों। अभी बिल्कुल न्यूली बिल्ट है दोस्तों, न्यूली कंस्ट्रक्शन है, अभी जस्ट बन के तैयार हुआ है, जिसमें 70% जो है काम कंप्लीट हो चुका है, 30% जो कि फिनिशिंग का काम रह रहा है। फिनिशिंग आप अपनी मर्जी से कुछ करवाना चाहते हैं, लाइक पेंटिंग वगैरह होगी या फिर वॉलपेपर्स हो गए, अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 2 स्टेप मिल जाते हैं बड़े बड़े, जिसमें आपको प्रॉपर मार्बल वर्क मिलता है दोस्तों। 2 बड़े स्टेप आपको मिलेंगे इस पोर्शन में, बड़े स्टेप आपके रहने वाले हैं तो आपको जो है चढ़ने में आसानी होगी। देन उसके बाद बात करें हमारा, तो गेट के ऊपर ही जस्ट आपको एक ग्रिल का ऑप्शन भी मिलता है, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए होना जरूरी है। और हमारा जो मेन डोर रहने वाला है दोस्तों, प्रॉपर वेंटिलेटेड डोर रहने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें ये ट्रांसपेरेंसी हमेशा आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बेल नोटिफिकेशन मिल जाती है, बेल आपकी ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है दोस्तों। और सामने आप विंडो देख रहे हैं, वो हमारी स्टेयर की पोर्शन रहने वाली है, वहाँ से आपके स्टेयर में जो है लाइट्स और नेचुरल लाइट, और उसके बाद बात करें तो वेंटिलेशन आपको यहाँ से प्रॉपर मिलता रहेगा। देन बात करते हैं जो हमारा दिल्ली जल बोर्ड का जो कनेक्शन होगा, उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं तो फिटिंग यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है, ये आपकी पानी की सप्लाई की फिटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देन थोड़ा सा आगे आ जाते हैं हम लोग, तो एंट्री पे ही सबसे पहले आपको बाइक पार्किंग मिलती है। तो ये हमारा लॉबी एरिया देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपना जो है बाइक पार्किंग कर सकते हैं इस पोर्शन के अंदर। और आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 5.5 फिट की हाइट तक, 5.5 फिट की हाइट तक आपको यहाँ पर और टाइल वर्क दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन इस साइड में स्टेयर रहती है, स्टेयर हमारी काफ़ी चौड़ी रहने वाली है। स्टेयर के साइज की बात करूँ तो 4 फिट चौड़ी दोस्तों, देखिए 4 फिट चौड़ी स्टेयर मिलेगी। देन स्टेयर में आपको लाइटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, जो हमने जो है इसमें छोटी छोटी आप फोकस लैंप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइटिंग ऑप्शन आपको मिलेगा, प्लस आपको मार्बल वर्क और अपोजिट के साइड में आपको जो है टाइल वर्क हाई ग्लोसी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, जो पूरा कंप्लीट करके लगाया गया है। देन इस पोर्शन में एक इमरजेंसी बाथरूम दोस्तों बनाकर तैयार कर रहे हैं, कि आप यहाँ पर अगर कोई बुजुर्ग नीचे के साइड में रहते हैं तो यहाँ पर इमरजेंसी वॉशरूम भी यूज़ कर पाएंगे, जिसमें टाइलिंग आपको एंड टू एंड मिलेगी, टैप टूटी शावर्स वगैरह, इंग्लिश पॉट या फिर इंडियन पॉट आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। फैसिलिटीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर सारी देखने को मिल जाएगी। और अब उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर आपको एक किचन मिल जाता है, इस साइड हमारा बेडरूम है, मैं आपको किचन दिखा देता हूँ दोस्तों। किचन हमारा मॉड्यूलर रहने वाला है, क्योंकि जब मकान बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है, सफाई हो जाती है, पेंटिंग हो जाती है, वॉलपेपर लग जाते हैं, उसके बाद वो चीज़ एक्चुअल समझ में आती है। बट आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि आपका मॉड्यूलर किचन है, घर की एंट्री हुई है, सामने बाइक खड़ी करने की जगह है, एक दरवाजा लगा हुआ आपके बाथरूम में, बड़ा रूम आपको मिलेगा और प्लस आपका यहाँ पर मॉड्यूलर किचन। ग्रे और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हमारे किचन के अंदर दोस्तों रहेगा, सामने आपको जो है विंडो का, सॉरी
यहाँ पर आपको जो चिमनी का ऑप्शन दोस्तों प्रॉपर मिल रहा है, चिमनी यहाँ पर आपको लगा कर दीजिएगी जिसकी वेंटिलेशन ऊपर पाइप के थ्रू आउटसाइड जाएगी दोस्तों। देन ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन है, पूरी पार्किंग से लेकर पूरे किचन में पूरा जॉइंट है, जिसमें आपको इसमें आपको LED का वर्क मिलेगा, देन साइडों में कोबलाइट का वर्क मिलेगा और सेंटर में जो आप लाइनिंग देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें आपको प्रोफाइल लाइट का वर्क दोस्तों देखने मिलेगा, जिससे कि ये पोर्शन जो है काफी खूबसूरत लगने वाला है। और जो टाइल हमारी पार्किंग के अंदर लगी है सारी किचन के अंदर सेम उतनी ही हाइट तक 5.5 फीट की हाइट तक प्रॉपर चारों तरफ आप देखेंगे तो प्रॉपर चारों तरफ आपको जो है टाइल वर्क देखने को मिलेगा। और हमारा जो सिंक रहेगा, जो बर्तन धोने वाला सिंक रहेगा दोस्तों, वो काफी बड़े साइज का रहेगा और जो कि एल्युमिनियम में रहने वाला साउंडलेस सिंक आपको दोस्तों यहाँ पर लगा दे रहे हैं। और सामने जो सैनिटरी फीचर्स होंगे सारे ब्रांडेड कंपनी के मिलेंगे, व्हाइट मार्बल और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें आपको सारे बॉक्सेस लगे हुए मिल जाते हैं, आटा बास्केट, प्लेट बास्केट, कटलरी बास्केट, सारी फैसिलिटीज आपको दोस्तों यहाँ पर मिलती है। और फ्लोरिंग में बात करें तो फ्लोरिंग में जितनी भी है आप देख रहे हैं, चाहे आपकी कार पार्किंग, आप बाइक पार्किंग हो या फिर आपका रूम हो या फिर किचन हो, फ्लोरिंग में सारी 2x4 की हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल दोस्तों आपको यहाँ पर कवरेज करके दी जाती है। अब आ जाते हैं हम अपने रूम के अंदर। तो दोस्तों आप रूम देखते हैं, रूम काफी बड़ा रहने वाला है, रूम देखिए कैमरे से डिस्टेंस में काफी दूर रहने वाला है, रूम काफी बड़ा और अच्छा रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपका वॉलपेपर आ जाएगा 6x6 डबल बेड लगाने के बाद भी आपको दोनों साइड दोस्तों यहाँ पर 2.5 फीट की जगह दोस्तों देखने को मिल जाएगी, रूम काफी बड़ा रहने वाला है। यहाँ पर सामने इस पोर्शन में आपको एक टीवी पैनल दोस्तों लगा कर दे रहे हैं जो कि वुडन का रहने वाला है, माइका वर्क के साथ है, फिनिशिंग काफी अच्छी रहेगी, 3 फोकस लैंप इसमें लगाए जाएंगे दोस्तों। और नीचे 2 ड्रॉर्स दे दिए गए हैं, अगर आप सामान रखना चाहते रख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है जहाँ से आपका जो है LED टीवी कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, काफी बड़ा टीवी पैनल है। और ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो बड़े साइज के आपको LED लगाकर दे रहे हैं, व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन रहेगा और इसमें भी कोबलाइट लगनी बाकी है। कोबलाइट अगर आप चाहते हैं तो अभी बुक करते हैं तो अपनी मर्जी से जो है कोई काम करवाना चाहते हैं, लाइट वाइट कुछ लगवाना चाहते हैं वॉलपेपर अपनी मर्जी से लगवाना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बात करके अपना विजिट करें, अपना मकान बुक कर सकते हैं और काम जो है थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, क्योंकि इस हाउस को तैयार होने में कम से कम 3 से 4 दिन और लगने वाले हैं अभी, बट मैंने सोचा कि आपको अभी से दिखा दिया जाए जिससे कि आप कुछ काम अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं तो वो भी जल्द से जल्द करवा पाएं। अब इसकी हाउस की तो जैसे मैं बात कर लूँ कि ये हमारा जो रूम है, रूम के साइज की अगर मैं बात करूँ तो रूम का हमारा जो है साइज कितना रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा रूम है। यहाँ पर साइज की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो है 11 फीट लंबाई रहने वाली है और यहाँ आपका डबल बेड आएगा, सामने टीवी पैनल है तो टीवी पैनल आपका 11 फीट दूर रहने वाला है आपकी बैक साइड वॉल से, तो 11 फीट लंबाई रहने वाली है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारी इसकी जो है 10 फीट रहने वाली है, 10x11 का हमारा ये रूम आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। अब बात आ जाती है दोस्तों ऊपर के पोर्शन की, ऊपर का पोर्शन भी आपको दिखाते हैं, उससे पहले बताऊँ कि जो हमारे डोर्स रहने वाले हैं बहुत सारी माइका वर्क के साथ लैमिनेटेड डोर है दोस्तों, इसमें लैमिनेशन हो रहा है आप देख रहे हैं, अंदर की साइड में माइका है, लैमिनेटेड डोर है। और हाइट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 7.5 फीट हाइट हमारे इस डोर की रहने वाली है, लॉकिंग सिस्टम काफी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो हमारा लॉकिंग सिस्टम है वो काफी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद जो हमारे फ्रेम्स रहने वाले हैं डोर फ्रेम, वो सारे के सारे MS के ही आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कभी जंग लगने की टेंशन नहीं होने वाली है। अब बारी आती है ऊपर के पोर्शन की, ऊपर लेकर चलता हूं और ऊपर का हाउस भी आपको दिखाता हूं दोस्तों, ऊपर का पोर्शन और भी ज्यादा खूबसूरत रहने वाला है दोस्तों। अब हम आ चुके हैं अपनी पहली मंजिल पर, इस साइड हमारी पहली मंजिल रहने वाली है। यहाँ पर भी फ्लोरिंग में आप देखेंगे तो सारी की सारी जो है आपको जितनी भी टाइल्स यहाँ पर लगा के दे रहे हैं सारी सारी 2x4 की हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल्स दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती है। ये सामने आपकी बालकनी रहेगी, बालकनी में आपको एक वॉशरूम भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर भी अपना वॉशरूम यूज़ कर पाएंगे, वॉशरूम भी आपका जो है काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है दोस्तों इस पोर्शन में। बाथरूम में जो टैप टोटी शावर्स वगैरह सारे ब्रांडेड कंपनी के ही दोस्तों लगा कर दिए जाएंगे, आप अपनी मर्जी से चूज करके भी लगवा सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको गीजर की पॉइंट फिटिंग मिल जाएगी और उसके बाद आपका जो है शावर का प्रोविजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऊपर LED का ऑप्शन आपको मिलेगा। देन टाइलिंग आप देखेंगे तो हाई लाइट जो है सेंटर में हाई लाइट मिलेगी और टाइलिंग पूरी एंड टू एंड रहने वाली, जिसमें व्हाइट और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको देखने मिलता है। पॉट आप अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं, इंग्लिश इंडियन जैसे भी चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं। एक विंडो आपको यहाँ पर मिल जाती है जो कि आयरन की रहने वाली है, यहाँ से आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन भी दोस्तों पास होती रहेगी। देन एक विंडो आपको यहाँ डोर के ऊपर भी मिल जाती है, तो यहाँ पर भी आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन नेचुरल लाइट मिलेगी आपको। देन प्लास्टिक डोर आपको मिल जाता है जो कि वाटरप्रूफ रहने वाले हैं। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर हमारी बालकनी ये पोर्शन आ जाता है, जिसमें आपको SS की ग्रिल लगी हुई मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर SS की ग्रिल आपको मिलती है आपकी बालकनी पर, एक टैब का ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धो सकते हैं। अब बात करें कि टैब आपको मिल जाती है, बट यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाने के बाद कनेक्शन कहाँ होगा, तो कनेक्शन आपका यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर, जहाँ से आपकी सारी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगी, यहाँ आप अपनी वॉशिंग मशीन कनेक्ट कर सकते हैं।
अब ये लॉबी एरिया जैसे कि नीचे के एरिया में आपने देखा था पार्किंग एरिया, वैसे यहाँ पर भी लॉबी एरिया मिल जाता है, तो ऊपर भी काफी स्पेस रहने वाला है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं तो ऊपर की साइड में फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलेगा, प्लस एलईडी लाइट और कोबलाइट का वर्क मिलेगा आपको, और सेंटर में जो आप लाइनिंग देख रहे हैं इसमें आपको प्रोफाइल लाइट का वर्क देखने को मिलेगा। और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सामने बालकनी ओपन रहने वाली है। देन इस पोर्शन में आपको एक ममटी मिल जाती है, यहाँ पर पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ से भी आपकी नेचुरल लाइट दोस्तों इस पोर्शन से देखने को आपको मिलेगी। ये एरिया काफी स्पेशियस रहने वाला है, जैसे कि नीचे के आपने पोर्शन में देखा था कि हमने वहां पर किचन बना रखी है। ये भी किचन एरिया आप अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं, इस एरिया को एज ए किचन यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक हॉल किया हुआ है। अगर आप जो चाहते हैं तो यहाँ पर किचन बना के इस पोर्शन में अपनी चिमनी लगाकर उसका वेंटिलेशन वहां से दे सकते हैं, बट यहाँ पर किचन नहीं बनाई, किचन नीचे के पोर्शन में दिए। यहाँ पर आप इस एरिया को एज ए टेम्पल यानी कि मंदिर यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको किचन यूज कीजिए या फिर मंदिर का स्पेस बनाना चाहते हैं तो वो स्पेस हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, जिसमें आपको यहाँ पर भी फ्लोरिंग में सेम वही टाइल्स, हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल्स दोस्तों ग्रे और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब रूम की हम लोग बात कर लेते हैं, रूम हमारा देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी स्पेशियस रूम आपको मिल जाता है, काफी बड़ा रूम मिल जाता है कि डबल बेड लगाने के बाद यहाँ पर भी साइड में काफी स्पेस मिलेगा, और यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कोई वॉलपेपर लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों वो लगवा सकते हैं अपनी मर्जी का कोई भी वॉलपेपर। पूरा का पूरा हाउस जो है न्यूली बिल्ट है दोस्तों, बिल्कुल जड़ से बना हुआ, छत तक आपका अपना रहेगा, बिल्कुल न्यूली इंडिपेंडेंट हाउस आप ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों ये 30 गज का जड़ से मकान जो है द्वारका और मेट्रो स्टेशन के नियर बाय रहने वाला है। सामने आपका मेट्रो स्टेशन, अगर डिस्टेंस की यहाँ से बात करो तो सामने आपको मेट्रो स्टेशन यहाँ से चलती हुई नजर आती है, बट आप जब यहाँ पर विजिट करेंगे तो इस घर के बाहर से खड़े होकर आप देखते हैं तो सामने मार्केट से बिल्कुल आपको मेट्रो स्टेशन नजर आया था, जिसके डिस्टेंस की बात करो तो यहाँ से मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर का रहने वाला है। जी हाँ, 500 मीटर के डिस्टेंस पर आज आपको इंडिपेंडेंट हाउस दिखा रहा हूँ, 30 गज का है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए और अंडर बजट भी रहने वाला है दोस्तों, प्रॉपर्टी लोनेबल है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि फाइनेंस करवा कर ले सकते हैं, रजिस्ट्री वगैरह सब अवेलेबल है दोस्तों, किसी चीज़ की रिहाइश करने में आपको यहाँ पर किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी क्योंकि प्राइम लोकेशन के अंदर आपका ये मकान रहेगा। अब यहाँ पर मकान की जो है वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, बट गली छोटी होने की वजह से आपको अच्छे रेट में मिल जाता है, गली छोटी मैटर नहीं करती, अगर लोकेशन अच्छी हो, लोकेशन प्राइम हो, जहाँ पर पॉश एरिया हो तो वहाँ पर गली भी दोस्तों मैटर नहीं करती है क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य आपकी लोकेलिटी पे भी डिपेंड करता है। हॉस्पिटल, बैंक, एटीएम, जिम, स्कूल, मार्केट्स, सब कुछ आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा 50 से 100 मीटर के दायरे में। अब इस रूम की हम लोग बात कर रहे हैं तो दोस्तों सारी बात छोड़ते हैं, रूम में सेम वही टाइल्स आपको यहाँ पर मिलेगी, रूम का साइज आपने नीचे जो देखा था सेम रूम का साइज आपको मिलेगा, जिसमें 10x11 का साइज आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको एक टीवी पैनल मिलेगा जो कि वुडन में मिलने वाला है, माइका वर्क के साथ है दोस्तों, जिसमें आपको जो है ब्राउन और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दोस्तों देखने को मिलता है। 3 फोकस लैंप यहाँ पर लगाए जाएंगे जिसकी फिनिशिंग और भी ज्यादा खूबसूरत होगी, बड़े साइज का आप एलईडी टीवी लगा पाएंगे, नीचे 2 ड्रॉर्स आपको मिल जाएंगे। देन वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो दी गई है, इस पोर्शन के अंदर देखेंगे तो सामने आपकी विंडो रहने वाली है, इस पोर्शन में यहाँ से आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन पास होगी, जिसमें 2 विंडो नीचे के पोर्शन में है और 2 विंडो आपकी ऊपर के पोर्शन में रहने वाली है, और एक सिंगल विंडो ऊपर के पोर्शन में, और बाहर की साइड में इसमें आपको आयरन की ग्रिल मिल जाती है। देन ऊपर के पोर्शन में आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलता है, तो फॉल सीलिंग का डिजाइन देखिए, फॉल सीलिंग का डिजाइन काफी यूनिक रहने वाला है दोस्तों, मकान कोशिश करते हैं कि खूबसूरत बनाए, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एलईडी और कोबलाइट का वर्क मिलेगा और सेंटर में फैन का वर्क मिलेगा। देन एक चीज मैं आपको और दिखानी भूल गया, नीचे के पोर्शन में दिखानी, तो यहाँ पर आपको देखिए तो स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आप अपना कोई स्प्लिट एसी चाहते हैं तो स्प्लिट एसी भी दोस्तों यहाँ पर लगा सकते हैं। अब रह जाती है दोस्तों रूफ, रूफ पर चलते हैं, रूफ दिखाते हैं, लोकेलिटी दिखाते हैं और इसका जो प्राइस है वो भी जल्द से जल्द आपको बता देते हैं। सो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम अपनी टेरेंस पर, हम अपने रूफ के ऊपर आ चुके हैं, तो ये पोर्शन आप देखेंगे प्रॉपर आपको रूफ के ऊपर टाइल वर्क दोस्तों देखने मिल रहा है, जो आपकी मैंने आपको बताया था कि जो ममटी का ऑप्शन है आपका इस पोर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगी दोस्तों, नेचुरल लाइट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और हम पूरी रूफ के ऊपर देख लेते हैं, तो पूरी रूफ के ऊपर आपको यहाँ पर टाइल वर्क देखने को मिलता है दोस्तों इस पोर्शन के ऊपर, तो यहाँ तक आपकी प्रॉपर टाइल वर्क आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा, और जो हमारा ड्रेनिंग ऑप्शन होगा इस पोर्शन में होगा, और यहाँ पर आपको एक टैप का ऑप्शन भी मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और इस पोर्शन में आपको एक विंडो मिलेगी जो कि आपकी वेंटिलेशन के लिए होना बहुत ज़रूरी है, और इस पोर्शन में आपको बड़े साइज़ की SS की ग्रिल दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रूफ काफ़ी बड़ी रहने वाली है दोस्तों, बैक साइड में भी काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, देखिए बैक साइड में काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपके उसके स्प्लिट एसी के जो आउटडोर फिटिंग होगी वो इस पोर्शन में आ जाएगी, यहाँ पर आपके स्प्लिट एसी इस पोर्शन में आ जाएगा। देन सेकंड की बात करूँ तो सेकंड भी आपका इस पोर्शन में आ जाएगा, तो यहाँ स्प्लिट एसी की सारी फिटिंग आपको दी है दोनों रूम्स की, तो स्प्लिट एसी आप अपना अपना रूम के अंदर लगा सकते हैं दोस्तों, रूम पर काफ़ी स्पेस रहने वाला है। लोकेलिटी पर घूम के देखिए, पूरी बसावट के अंदर लोकेलिटी के अंदर आपको जो है इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताया कि सारी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों प्राइस जो है
30 गज के इंडिपेंडेंट हाउस का जो प्राइस है यहाँ पर 35 लाख रुपए में आपको इंडिपेंडेंट हाउस जड़ से मिलेगा। जमीन भी आपकी होगी, छत भी आपकी होगी। 35 लाख रुपए में आपको इंडिपेंडेंट हाउस मिलेगा मोहन गार्डन उत्तम नगर की लोकेशन में नियर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन। 500 मीटर के डिस्टेंस पर आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अब क्या करना है, सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है। दोस्तों इसको बुक करना चाहते हैं जल्द से जल्द बुक कीजिए, क्योंकि ऐसे मकान बहुत कम देखने को मिलते हैं जो प्राइम लोकेशन के अंदर होते हैं और अच्छे बजट के अंदर मिलते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों बिल्कुल भी देर न करें, जी हाँ बिल्कुल भी देर न करें, जल्द से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपने मकान पर विजिट करें, अपने गृह प्रवेश की दोस्तों तैयारी करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।